नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत प्रारंभ कर चुके हैं। बड़ा ही रोचक यात्रा वृत्तांत है। हमने जाना कि 1929-30 में राहुल जी ने जब तिब्बत की यात्रा की थी, उस समय तिब्बती समाज कैसा था, वहाँ कैसी परेशानियाँ थी और क्या सहूलियत थी, दोनों हमने जानी। तो इसी को देखिए निरंतरता में लेते हैं। हमने देखा कि वहाँ के निर्जन रास्तों पे जो चोर डकैत होते थे वे लोगों को मार डालते थे, उसके बाद उस व्यक्ति के सामान को देखते थे और पहले ही उसकी जान ले लेते थे। तो देखिए, डकैत पहले आदमी को मार डालते, उसके बाद देखते कि कुछ पैसा है या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और कहीं कहीं और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार जेब निकाल कुची कुची अर्थात दया दया एक पैसा कहके भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर के तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। देखिए, अपने यात्रा व्रत में लेखक ने स्पष्ट किया है कि प्रथम यात्रा में वे भिखमंगे के वेश में गए थे और चोर डकैतों की समस्या वहाँ पे बड़ी भयावह है। लोग जान माल के नुकसान को सहते हुए उन रास्तों पर यात्रा करते हैं, चोर डकैत लोगों को मार डालते हैं और उनकी कोई धरपकड़ भी नहीं होती है, वे खुले घूमते हैं क्योंकि वो ऐसे निर्जन रास्तों पर पुलिस और खुफिया विभाग का कोई प्रबंध नहीं है। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। तब लेखक को लगा कि वो इतनी ऊंचाई पर अब नहीं चल पाएंगे पैदल, तो उन्होंने 2 घोड़े ले लिए। अब वो घोड़ों पे सवार होकर के आगे की यात्रा कर रहे हैं। डांडे के पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फिट की ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिणी तरफ पूरब से पश्चिम और हिमालय के हजारों श्री शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं दौनकव्यस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। मतलब ये देखिए कि वो यात्रा का रास्ता जो है वो इतना दुर्गम है कि जो जानवर है वो भी बड़ा असहज है। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला और आगे एक घर में पूछा तो पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमिति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुँह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। मतलब लेखक जो है वो रास्ते का ज्ञान न होने के कारण रास्ते से भटक गए हैं और इससे उनके जो मित्र हैं सुमति वो बड़े खफा हो गए हैं एक तरह से, और बहुत मुश्किल से वे सहज हुए हैं। खैर, सुमिति को जितनी जल्दी गुस्सा आता उतना जल्दी वह ठंडा भी हो जाता। लंकोर में वह एक अच्छी जगह ठहरे।
यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। देखिए ये तिब्बत के ही कुछ व्यंजन हैं जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं और वहाँ के खाने की चीज़ें हैं। तो इस प्रकार लेखक जो है सुमति के साथ यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें उतनी परेशानी प्रथम यात्रा में नहीं आई है। धन्यवाद।